चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं. रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर 9. तो ये हम आपको पहले थ्योरी में भी समझा चुके हैं, एग्जांपल्स भी करा चुके हैं. ठीक है, आप लोगों ने ट्राई भी किया होगा घर पर. चलिए अभी मुझे यहाँ सॉल्व करना है तो करते हैं. तो यहाँ स्टेप बन क्या था गाइस हमारा, ड्रॉ अ लाइन इक्वल टू 9.3 यूनिट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ए. तो ए कोई आपका ये फिक्स्ड पॉइंट है जिससे आपको 9.3 की एक लाइन ड्रॉ करनी है. ठीक है, ये डिस्टेंस आपने 9.3 ले ली है. ठीक है, ड्रॉ लाइन 9.3 यूनिट फ्रॉम ए फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ए एज ए बी इज इक्वल्स टू 9.3 यूनिट्स. ठीक है, इट मीन्स ये पॉइंट आपने क्या मार्क किया है, बी पॉइंट मार्क किया. स्टेप टू था हमारा मार्क 1 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम बी. एंड टेक अ पॉइंट सी. तो बी से 1 यूनिट डिस्टेंस आपको मार्क करनी है कंपास में लेकर, है ना, 1 यूनिट ले लीजिए उसको कंपास में लेकर मार्क कर दीजिए और उसको एज अ पॉइंट सी मार्क कर दीजिए. तो ये यहां से आपको 1 यूनिट डिस्टेंस, चलिए डिफरेंट कलर हम यूज कर लेते हैं, ये आपने मार्क कर दिया एज अ सी. ठीक है, फिर थर्ड स्टेप क्या था, स्टेप 3 में आपको करना था मिड पॉइंट. ठीक है, मार्क मिड पॉइंट ऑफ एसी एज ओ. तो एसी का मिड पॉइंट आपको मार्क करना था एज ओ. और मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था, ए से कंपास में डिस्टेंस लीजिए हाफ मोर देन एसी, एसी से के हाफ से ज्यादा, है ना, एसी का हाफ देख लीजिए कहीं यहां आएगा, उससे ज्यादा डिस्टेंस मार्क कीजिए. फिर ए को एज अ सेंटर लेकर एक आर्क लगाइए इस तरह एक साइड में, और ए को एज अ सेंटर लेकर दूसरे साइड में एक आर्क लगाइए. इसी तरह से सी को एज अ सेंटर लेकर एक आर्क लगाइए और यहां भी एक आर्क लगाइए. तो यहां जो इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करेगी तो वो लाइन को एसी को मिड पॉइंट पर कट कर रही होगी. जब आप कंपास से और स्केल से करेंगे तो आप भी एग्जैक्ट आएंगे. ठीक है, क्लियर है. फिर स्टेप 4 क्या था हमारा, स्टेप 4 था ड्रॉ अ सेमी सर्कल को ओ मार्क किया है, ओ एज अ सेंटर एंड OC एज अ रेडियस. OC को एज अ रेडियस लेकर और O को एज अ सेंटर लेकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है आपको. तो ये आपने सेमी सर्कल ड्रॉ किया, का स्टार्टिंग पॉइंट A होगा और एंड पॉइंट D होगा क्योंकि AC इसका डायमीटर है. फिर स्टेप 5 था ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट बी, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. ठीक है, विच कट्स सेमी सर्कल
या इंटरसेक्ट सेमी सर्कल एट पॉइंट डी। तो सपोज ये डी पर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये जो बीडी डिस्टेंस आया आपका बीडी, देन बीडी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। तो बीडी आपका क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 है, ठीक है। आप इसको एज ए नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो कंपास में बीडी डिस्टेंस लीजिए, कंपास में बीडी डिस्टेंस लिया और बी को एज अ सेंटर लेकर, बीसी वन यूनिट डिस्टेंस है, बीसी वन यूनिट डिस्टेंस है, तो बी को एज अ सेंटर लेकर तो आगे बढ़ाइए और बीडी ये कट लगा दीजिए। सपोज ये बीडी डैश आ जाएगा, तो बीडी डैश जो डिस्टेंस है वो अंडर रूट 9.3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और डी पॉइंट इसके लिए मार्क हुआ है, पॉइंट रूट 9.3 के लिए मार्क हो गया है, ठीक है। तो ये एग्जांपल भी मैं भी हमने कराया था और अभी आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी है। तो रूट 9.3, रूट 5.3, रूट 6.3 जो भी वो आपसे करवा ले, आप इसको ऐसा कर पाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर गाइस।